नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, एसएससी की तरफ से जो आपकी सीएचएस और सीजीएल का जो एग्ज़ाम आपके होने वाले थे, तो इसका देखिए पोस्टपोनमेंट का नोटिस आपका आ चुका है। तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो भी एग्जामिनेशन आपके हैं तो उसका पोस्टपोनमेंट जो किए गए हैं कौन कौन से एग्ज़ाम, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और ये फिर कब आपका हो सकता है। तो इसमें आपको देखिए पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे पोस्टपोनमेंट हुआ है। तो पहला देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका दिया हुआ है कि इन द व्यू ऑफ सर्ज इन द कोविड-19 केसेस, यानी कि कोरोना वायरस के केसेस के सर्ज के चलते जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन आपका ये फर्दर जो है आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि जो सीएचएसएल का एग्जामिनेशन जो Tier 1 का आपका होने वाला था 21/5/2021 से लेके 22/5/2021, और ये उन सारे कैंडिडेट का था कि जिन्होंने वेस्ट बंगाल में अपना सेंटर चूज किया था। तो इनका देखिए एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन ये हो चुका है। और साथ में जो आपका सीजीएल का एग्जाम था, यानी कि जो आपका ये Tier 1 का एग्जामिनेशन सीजीएल का जो होने वाला था, इसका 29/5/2021 से लेके 7/6/2021 तक का, तो इसको भी देखिए पोस्टपोन कर दिया गया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीजीएल भी आपका पोस्टपोन हो चुका है। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो डेट है आपका नोटिफिकेशन का, जो भी एग्जामिनेशन का मतलब जो आने वाले थे अभी, तो इसको भी देखिए पोस्टपोन कर दिया गया है फर्दर ऑर्डर तक, मतलब जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता तब का। तो इसमें कौन से एग्जाम की बात कही जा रही है, तो देखिए जो आपका जीडी का, एसएससी जीडी का जो आपका आता है यहाँ पे, और सीएपीएफ का जो आता है, मतलब एक्चुअली इसमें तो इसका देखिए जैसे टेंटेटिव था कि ये 1st वीक ऑफ मई 2021 में आपका ये आता है, लेकिन इसको भी देखिए जो है पोस्टपोन कर दिया गया हुआ है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ इन्होंने कि जो फ्रेश डेट आपका रहेगा, जो भी एग्जामिनेशन आपके पोस्टपोन हुए हैं और नोटिफिकेशन जो आपका एग्जामिनेशन का ये सारे जो भी है, तो ये जो है आपका बाद में अनाउंस किया जाएगा कमीशन के द्वारा। तो इसके लिए सिचुएशन को देखते हुए ही किया जाएगा, यानी कि सिचुएशन अगर नॉर्मल आता है उसके बाद ही आपका नया डेट आएगा एग्जामिनेशन का, या फिर जो भी नोटिफिकेशन आपके आने वाला है एग्जामिनेशन का, तो वो जो है देखते हुए ही आएगा, सिचुएशन को देखते हुए आपका आएगा। और आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है यहाँ पे फर्दर अपडेट्स के लिए। तो यही कुछ इसमें आपका अपडेट था रिगार्डिंग आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि जिनका भी जैसे वेस्ट बंगाल में इनका जो दिया था सेंटर एसएससी सीएचएसएल का, और साथ में जो सीजीएल का एग्जामिनेशन जो होने वाले थे, तो ये जो है आपका अभी मई में तो नहीं होगा, ये आपका मतलब आप पोस्टपोन कर देगा और डेट अभी नहीं दी हुई है। तो आप लोग मान के चलिए कि जैसे सीजीएल का ये देखिए 7 तारीख तक था, 7/6/2021 तक का, तो ये तो जैसे आपका 7 तारीख तक तो ये दिया पोस्टपोन इन्होंने किया हुआ है, और जून में जैसे ये आपका शेड्यूल था 7 जून तक, तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि जून में भी पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है आपका कि ये एग्जाम हो, तो जुलाई में एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका लास्ट वीक जब आएगा जून का तो उस समय भी करा सकते हैं, लेकिन आपका ये 7/6/2021 तक तो आपका ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो जिनका भी तैयारी अभी तक नहीं हो पाया तो उनके लिए थोड़ा सा चांस यहाँ पे मिल गया है। तो आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट कर देना।